पर तैयारियां कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी करवाते हैं ये आप थोड़ा सा देखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज हो जाती है आपको जानना कि हम यहाँ पे कौन कौन से कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आ जाए तो जैसा कि हम हमेशा करवाते आए हैं, जैसे जैसे वैकेंसी आती है वैसे वैसे हम तैयारियां चालू करवा देते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अपने खुद की बात करते हैं, शिक्षक की बात कर लेते हैं। हम यहाँ पे शिक्षक भर्ती, शिक्षक भर्ती की बात करते हैं। शिक्षक भर्ती में यहाँ पे ग्रेड फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। और यहाँ पे हम बात करते हैं अपने शिक्षक, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जो अपनी वैकेंसी निकलती है, एक निकलती है शिक्षक के नाम से, शिक्षक के नाम से, और या कह दो सहायक शिक्षक, सहायक शिक्षक, ठीक है दोस्तों। और साथ में हमारे यहाँ पे तैयारी करवाई जाती है एसएससी की, बैंक की, रेलवे की, और यहां पर पीएससी की तैयारी करवाई जाती है, पीएससी यूपीएससी, ठीक है। ये तैयारियां हमारे यहाँ पे करवाई जाती है। तो आपको इस चीज को हमेशा मालूम रखना है कि छत्तीसगढ़ में हमारे कंपटीशन विंग के नाम से हमारी एकेडमी है, कंपटीशन विंग के नाम से जो चलती है वो छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई पे चलती है, ठीक है। हमारे यहाँ पे शिक्षक भर्ती को लेकर हम यहाँ पे चर्चा आज करने वाले हैं। तो शिक्षक भर्ती में हमारे यहाँ पर कंपटीशन विंग के अंदर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, शिक्षक और सहायक शिक्षक की यहाँ पर हम तैयारी करवाते हैं, और साथ ही हम करवाते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, पीएससी और यूपीएससी की हम यहाँ पर विशेष तरीके से हम तैयारी करवाते हैं। दोस्तों ये सब चीजें बताने का एक मकसद है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है, कंपटीशन विंग जो इंस्टीट्यूट है, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर और भिलाई में है, वो वर्तमान में बहुत जल्दी अपना शिक्षक भर्ती से संबंधित जो बैचेज है वो चलाने वाला है। बिल्कुल अभी हाल ही में एक दिन, 2 दिन या 4 दिन या 5 दिन के अंतर्गत ये बैच चालू हो जाएंगे। हम यहाँ पे चर्चा अभी लेटेस्ट शिक्षक भर्ती को लेकर कर लेते हैं और ये सभी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। तो इसको मैं मिटा देता हूं और आप थोड़ा सा ध्यान देते हुए यहाँ पर किस तरीके से तैयारी करते हैं। तो अभी नहीं रायपुर, भिलाई और छत्तीसगढ़ में ये अपना संस्थान है, आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और अपने छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने बहुत तगड़ी, बहुत जबरदस्त तरीके से 33,000 शिक्षकों की भर्ती की घोषणा करी है, 33,000 शिक्षकों की, 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी, 33,000 शिक्षक, यानी कि बम्पर वैकेंसी आने वाली है, जबरदस्त वैकेंसी आने वाली है। जिसको ताकत लगानी है वो लगा सकता है, जिसको जज्बा दिखाना है वो दिखा सकता है। ये बहुत नसीब वालों को मिलता है इतनी जबरदस्त वैकेंसी, क्योंकि 33,000 वैकेंसी कम नहीं होती है मित्रों, बहुत जबरदस्त वैकेंसी हो जाती है। इस 33,000 वैकेंसी में कौन सा इंस्टीट्यूट सही है, कौन सा इंस्टीट्यूट गलत है, कहाँ पे हमको पढ़ाई करनी है, कहाँ पे उच्च शिक्षा होगी, कहाँ पे क्वालिटी शिक्षा होगी, क्वालिटी एजुकेशन जिसे हम कह देते हैं, ठीक है, वो होगी, वो आपको जानना है, पहचानना है और तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बात करूं कि 33,000 जो शिक्षक भर्ती निकलने वाली है उसमें हम हमारे बैच चालू कर रहे हैं, बहुत जल्दी हमारे बैच चालू करने जा रहे हैं। जितना जल्दी आप आओगे उतना जल्दी आपको फीस में भी इजाफा होगा, फीस भी आपको सही तरीके से मिलेगी, कम मिलेगी अभी तक। और उसके बाद में यहाँ पर हम क्या क्या देने वाले हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित चीजें हम बता देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ देखिए, 1 मिनट, 33,000 वैकेंसी आ रही है, 33,000 वैकेंसी की तैयारी करवा रहा है कंपटीशन विंग इंस्टीट्यूट।
कंपटीशन विंग इंस्टीट्यूट में एसएससी बैंक रेलवे और पीएससी यूपीएससी की तैयारी करवाई जाती है, साथ में शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करवाई जाती है, शिक्षक भर्ती की भी तैयारी करवाई जाती है। आपको शिक्षक भर्ती की तैयारी करनी है, जबरदस्त तरीके से करनी है। यहां पर आपको अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, कम से कम अनुभव यहां पे होगा। देखना भाई मित्रों, ये सबसे बड़ी बात हो जाती है, ये तैयारी आज से नहीं करवा रहे, जैसे ही वैकेंसी आती है तुरंत शिक्षक भर्ती की तैयारी चालू होने लग जाती है यहां पे। तो यहां पे अनुभवी शिक्षक, अनुभवी शिक्षक लगभग 10 से 15 वर्ष का अनुभव, बिल्कुल 10 से 15 वर्ष का अनुभव यहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। इसी में आपको नोट्स मिलते हैं, नोट्स, यस, आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। कंपटीशन विंग एकेडमी से या कंपटीशन विंग इंस्टीट्यूट से आपको प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, शिक्षक भर्ती से संबंधित जितने भी नोट्स आते हैं आपके वो सारे नोट्स मिलेंगे, ठीक है। पेपर मिलेंगे, प्रश्न पत्र, यानी कि मॉडल प्रश्न पत्र जिसे हम कह देते हैं, मॉडल प्रश्न पत्र यहां पर आपको मिलेगा। मॉडल प्रश्न पत्र में जो पिछले सालों में जितने भी प्रश्न आए हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ आया हो, चाहे एमपी से आया हो, चाहे सीटेट से आया हो, चाहे राजस्थान से आया हो, चाहे कहीं से भी आया हो, यानी कि यहां पर पिछले सालों के जो प्रश्न, पुराने जो प्रश्न आए हुए हैं वो आपको मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, अनुभवी शिक्षक है, 10 से 15 वर्ष का इनको अनुभव है यहाँ पे पढ़ाने का, बहुत तगड़ी, एक मिनट, क्या कुछ प्रॉब्लम है? हाँ, वॉइस अगर क्लियर आ रही है तो हमें बता दीजिए, क्लियर आ रही होगी मेरे हिसाब से। जी 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 ओके ओके, तो आ जाइए वापस। तो यहां पर नोट्स दिए जाएंगे, प्रिंटेड आपको नोट्स दिए जाएंगे, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स दिया जाएगा, चाहे बाल विकास मनोविज्ञान का नोट्स हो, चाहे हिंदी के नोट्स हो, चाहे अंग्रेजी के नोट्स हो, चाहे गणित के नोट्स हो, चाहे पर्यावरण के नोट्स हो, चाहे कंप्यूटर साइंस के नोट्स हो, ऑल ओवर सब्जेक्ट अभी वो नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में यहां पर आपको लाइब्रेरी सुविधा मिलेगी, अगर किसी बच्चे को आवश्यकता लगती है कि हाँ मैं इंस्टीट्यूट कोचिंग में जब आता हूँ और मेरा घर दूर है या फिर मैं जा नहीं पाता, मेरा कम से कम समय बर्बाद होता है, घंटे दो घंटे या तीन घंटे का समय बर्बाद होता है, तो आपको यहीं पे लाइब्रेरी मिलेगी, एक अच्छी लाइब्रेरी मिलेगी, आप बैठ कर वहाँ पे, यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में हम यहाँ पे चर्चा करें तो शिक्षक भर्ती से संबंधित, शिक्षक भर्ती से संबंधित एक्स्ट्रा क्लास मिलेगी, जिसे हम कहते हैं डाउट क्लासेस, हम डाउट क्लासेस कहते हैं, वो हर वीक में दो दिन मिलेगी आपका, हर वीक में दो दिन वो निश्चित हो जाएगा, हर वीक में दो दिन कौन सा है, तो उसमें एक अपना रोटेशन चलेगा कि पहले हिंदी का दो दिन चलेगा, फिर मनोविज्ञान का दो दिन चलेगा, फिर पर्यावरण का, यानी कि सबको दिक्कतें आती है तो वो डाउट क्लासेस। वैसे हमारी एक खास बात ये भी है कि जैसे बच्चा ऑफलाइन ज्वाइन करता है, जैसे ही आमने सामने होता है तो डाउट वही क्लियर हो जाते हैं, डाउट वैसे होते नहीं है क्योंकि इस तरीके से, क्योंकि अनुभव हमारे यहाँ पे 10 से 15 वर्ष का अनुभव होगा शिक्षकों का पढ़ाने का, तो ये डाउट है वो हमेशा वहीं पे क्लियर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर बच्चा हल करता है, क्योंकि जब आप हल करोगे, देखिए दोस्तों बात ये होती है, आप पढ़ाई करोगे ना तो पढ़ाई जब करते हो तो आपको जरूर कहीं ना कहीं कोई समस्या आती है, जब समस्या आती है तो फिर आपको क्या होगा, पूछना जरूरी हो जाता है, पूछना जरूरी हो जाता है, तो क्लास में जो टॉपिक छूट गया या पहले चला गया उसको आप कब पूछोगे, फिर उसको आप क्या पूछोगे, एक्स्ट्रा क्लास में, इसे हम कहते हैं डाउट क्लासेस, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं, आपको हमेशा याद रखना है कंपटीशन विंग, कंपटीशन विंग के नाम से हमारी संस्था है जो छत्तीसगढ़ के रायपुर भिलाई में है, छत्तीसगढ़ के रायपुर भिलाई में है, और यहां पर शिक्षक भर्ती से लेकर
तैयारी करवाई जाती है। शिक्षक चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, चाहे ग्रेड सेकंड हो, चाहे ग्रेड थर्ड हो, सहायक शिक्षक के नाम से हो या सहायक शिक्षक के नाम से आपकी वैकेंसी आती है वो हो, ठीक है, सभी प्रकार की यहाँ पर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवाई जाती है। कहाँ पे करवाई जाती है? कॉम्पिटिशन विंग में करवाई जाती है, ठीक है। और ये कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ के रायपुर भिलाई में है। याद रखिए यहाँ पर आपको मिलेंगे अनुभवी शिक्षक। अनुभवी शिक्षक मिलेंगे, कितने वर्ष का अनुभव है? लगभग 10 से 15 वर्ष का अनुभव है। कई कई शिक्षक तो ऐसे है दोस्तों 20-20 साल का अनुभव रखते हैं, 20-20 साल का अनुभव, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया, ठीक है, शिक्षक भर्ती को तैयार करने में, शिक्षक भर्ती देने। यहाँ पे आपको प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे, हर एक विषय का प्रिंटेड नोट्स मिलेगा। कौन कौन से विषय का? जैसे आपके चाहे मनोविज्ञान पास हो, या फिर आपके हिंदी का नोट्स हो, या फिर गणित का नोट्स हो, अंग्रेजी का नोट्स हो, या फिर आपके संस्कृत का नोट्स हो, यानी कि सभी प्रकार के यहाँ पे नोट्स अवेलेबल आपको होंगे, प्रिंटेड नोट्स होंगे। फिर प्रश्न पत्र होंगे। मॉडल प्रश्न पत्र नाम क्यों दिया है? क्योंकि यहाँ पर पिछले सालों के प्रश्न पत्र, जितने भी आपके पिछले सालों के प्रश्न पत्र आए हैं, वो सभी आपके यहाँ पर होंगे, यानी कि आपको दिए जाएंगे। क्लास लो, टॉपिक क्लियर करो, ये तो नोट्स पकड़ो, और ये आपके प्रश्न उत्तर, ये प्रश्न पत्र पकड़ो, इनको हल करो, ठीक है। लाइब्रेरी सुविधा दी जाएगी, एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पर आपको दी जाएगी, यानी कि आप यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस ले सकते हो। एक्स्ट्रा क्लासेस में 2 दिन का डाउट सेशन होता है, वो आपको एक निश्चित समय क्लियर करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद में बात आती है, इसको मिटा देता हूं थोड़ा, बहुत क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन यहाँ पे दी जाती है, गोचपोच मामला करेंगे नहीं यहाँ पे, सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी करवाएंगे। अगर आपको तैयारी करनी है, अगर आपको संस्था से जुड़ना है, तो आज ही आप संपर्क करिए, क्योंकि 33,000 दोस्तों, कितनी वैकेंसी आने वाली है? 33,000 वैकेंसी आने वाली है, 33,000 पद, जबरदस्त पद है। और ये कब आएंगे? आचार संहिता हटने के बाद में। आचार संहिता जैसे ही हटती है, चुनाव के नतीजे जैसे ही आते हैं, चुनाव के नतीजे 4 जून को आ जाएंगे, 4 जून के बाद में, जैसे ही 2 दिन के बाद में आचार संहिता हट जाती है, चुनाव के नतीजे 4-5-6 तक आचार संहिता लगी चलेगी, फिर उसके बाद में बम्पर वैकेंसी आएगी, जबरदस्त वैकेंसी आएगी, जिसका आप कोई तोड़ नहीं कर सकते। जो साथी घर पे बैठा हुआ है, जो साथी अपने आप को निठल्ला समझ के बैठा हुआ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं घर पर ही रहूंगा, मैं घर पर ही, तो वो कुछ नहीं कर सकता। आपको आना होगा, संस्था तक आना होगा, उसके बाद में आप चलना, आपको चलना है तो चलाएंगे हमारे शिक्षक, चलाएंगे सभी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं कि ये जो 33,000 की जो पद की घोषणा हुई है, वो शिक्षक को लेकर हुई है, वो शिक्षक भर्ती, सहायक शिक्षक भर्ती को लेकर हुई है। अब सहायक शिक्षक भर्ती और शिक्षक भर्ती को लेकर जब हुई है, तो इसके हम सिलेबस की बात जरूर कर लेते हैं। सिलेबस जानना जरूरी है, ये क्लास सिलेबस वाली क्लास है, इसको आप जानोगे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि टीचर पढ़ाते रहते हैं, लेकिन बच्चों को सिलेबस का पता ही नहीं है, पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना है। किस प्रकार से पेपर होगा, किस प्रकार से आपके कितने नंबर का पेपर होगा, वो हम जानने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, जानेंगे, ठीक है। तो आपको सिलेबस जानना है यहाँ पे, ठीक है, बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है, और हर जगह वैकेंसी आने वाली है, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो वैकेंसी को रोक दे अब, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने बहुत जबरदस्त तरीके से घोषणा करी है कि साहब वैकेंसी देंगे, हम वैकेंसी देंगे, और देनी पड़ेगी वैकेंसी, तो देनी पड़ेगी। चलो शिक्षक भर्ती के सिलेबस की बात अगर करें, हम पाठ्यक्रम की बात करें, पाठ्यक्रम किसका? शिक्षक भर्ती का। किसका? शिक्षक भर्ती का। दोस्तों ये पाठ्यक्रम ही है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचाएगा। और एक बात बता देता हूं, शिक्षक और शिक्षार्थी, इन दोनों के बीच में जो चर्चा होती है वो किसको लेकर होती है? पाठ्यक्रम को लेकर होती है। मैं और आप दोनों चर्चा करेंगे मिलकर, तो किसको लेकर चर्चा करेंगे? पाठ्यक्रम को लेकर चर्चा करेंगे। कहां पर चर्चा करेंगे? कॉम्पिटिशन विंग में चर्चा करेंगे। कब करेंगे?
जब आप आना चाहो तब करेंगे, यानी कि बहुत जल्दी हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। जो बहुत जल्दी आप हमारे से जुड़ जाइए, क्योंकि फिर आपको एक अच्छा बैच मिल जाएगा, फिर एक आपको अच्छा अनुभवी शिक्षक मिल जाएगा, फिर आपको वहां आने के बाद में अच्छी लाइब्रेरी मिल जाएगी, फिर आपको प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के प्रिंटेड नोट्स मिलेंगे। ये एक अच्छी बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है, शिक्षक ने पढ़ा दिया, ठीक है, अब शिक्षक ने पढ़ा दिया वो तो आपने लिख लिया, लेकिन एक्स्ट्रा चीजें भी तो कुछ हो जाती है ना, कोई क्वेश्चन बाहर से आ जाता है, या फिर आपके पास लिखित में जो है, कई बार क्या होता है कि बच्चा बीमार हो जाता है, 5 दिन 10 दिन छूट जाता है, तो उसको नोट्स देंगे तो वो आपका कवर हो जाएगा, प्रिंटेड नोट्स आपको मिल जाएंगे। आपके पिछले गत वर्षों में जो भी क्वेश्चन आए हैं वो आपको नोट्स मिलेंगे, क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस के डाउट्स की वाली जो क्लासेस है वो एक्स्ट्रा क्लासेस आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। आवाज आपको बराबर आ रही होगी मेरी? अगर आवाज नहीं आ रही हो तो बता देना मुझे, ठीक है। मेरे हिसाब से आवाज बराबर आ रही है, ठीक है। पाठ्यक्रम की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, पाठ्यक्रम जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहला जो विषय आता है शिक्षक भर्ती को लेकर, उसमें आता है बाल विकास। क्या आता है बेटा? बाल विकास, बाल विकास आता है। अब बाल विकास को हम सीडीपी और इसी को हम कह देते हैं मनोविज्ञान। क्या कह देते हैं? मनोविज्ञान। और ये हमारे 30 नंबर का आता है। कितने का आता है बेटा? 30 नंबर का, ध्यान रखना। पानी, कितने नंबर का आता है? 30 नंबर का आता है, ठीक है। आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। बाल विकास जो है वो अपने 30 नंबर का आता है। उसके बाद में आता है आपके, इसके जस्ट बाद में आता है हिंदी, जिसे हम कहेंगे भाषा फर्स्ट लैंग्वेज, जिसे हम कहेंगे भाषा फर्स्ट, या हम यहाँ पे कह देते हैं, सॉरी, भाषा फर्स्ट, जिसमें हमको हिंदी लेना होता है। क्या लेना होता है? हिंदी। अरे भाई, हिंदी बहुत शानदार सब्जेक्ट है, जबरदस्त सब्जेक्ट है। क्यों? क्योंकि शुरू से लेकर आज तक, अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं? हिंदी पढ़ते आते हैं। क्या पढ़ते आ रहे हैं? हिंदी। तो हिंदी में किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये हमारे आते हैं 25 नंबर का। क्या आता है? 25 नंबर का, ठीक है, 25 नंबर का सिलेबस है, ठीक है। उसके बाद में भाषा सेकंड, देखो बेटा ध्यान से समझ लेना, ये बहुत अच्छी चीज बताने वाला हूं और अच्छी चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। जिसने भी भाषा फर्स्ट में हिंदी लिया है वो भाषा सेकंड में हिंदी नहीं ले सकता। जिसने भी भाषा फर्स्ट लिया है वो भाषा सेकंड में हिंदी नहीं ले सकता, वो ले सकता है अंग्रेजी, या कह दो संस्कृत, संस्कृत या उर्दू, सॉरी, या उर्दू, पंजाबी, ये जो सब्जेक्ट है ये हम ले सकते हैं। ये कितने नंबर का आता है? ये भी 25 नंबर का आता है। कितने नंबर का आता है दोस्तों? 25 नंबर का आता है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम बात करें, फिर आता है सबसे अहम विषय गणित। क्या आता है? गणित। अब सुनो मेरी बात, गणित, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। गणित का नाम लेते तो क्या ये बच्चों के क्या पसीने छूट जाते हैं? नहीं घबराना, नहीं डरना। क्यों? मैं आपको इसका एक सीधा सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूँ, सीधा सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप तैयारी किसकी करने जा रहे हो? शिक्षक भर्ती की। और शिक्षक भर्ती की अगर आप तैयारी करते हो तो इसमें आपको टीचर बनना है 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का। कौन सी क्लास तक का बनना है? 1 से लेकर 5वीं क्लास तक का। अब 1 से लेकर अगर 5वीं तक की क्लास तक का टीचर बनना है तो आपसे ज्यादा भारी भरकम वाली गणित नहीं पूछेंगे, भारी भरकम वाली गणित नहीं पूछेंगे, ध्यान रखना बेटा, भारी भरकम वाली गणित नहीं पूछेंगे। तो क्या पूछेंगे? मैं आपको बता देता हूं मित्रों, इसमें सिंपल गणित पूछेंगे, यानी कि जनरल जो चलता है वो। अब इसमें क्या क्या पूछेंगे?
रेखाएं क्या होती है भिन्न किसे कहते हैं, है ना, एलसीएम एफसीएम जो होता है वो क्यों पूछेंगे? क्योंकि आपको एक से लेकर पांचवी तक का टीचर बना रहे हैं साहब, आपको बारहवीं तक का टीचर नहीं बना रहे गणित में, आपको बारहवीं तक का टीचर नहीं बना रहे, एक से लेकर पांचवी तक का टीचर बना रहे, इसलिए आपको गणित एक से लेकर दसवीं तक जो चलती है, एक से लेकर दसवीं तक जो चलती है आपकी सरकारी स्कूलों में जो किताबें चलती है वो ही पढ़नी है आपको, एक सर से लेकर सॉरी दसवीं टू तक कंटिन्यू। जो हिंदी चलती है वो ही पढ़नी हेलो है, कैन यू हियर मी सर? आपको अंग्रेजी और संस्कृत एक से लेकर दसवीं तक जो चलती है वो ही पढ़नी है, आपको हेलो एक से लेकर दसवीं तक जो गणित चलती है वो ही पढ़नी है, क्योंकि आपको टीचर बनाने जा रहे हैं एक से लेकर पांचवीं तक का, कौन सी तक का टीचर बनाने जा रहे हैं, एक से लेकर पांचवी तक का, इसलिए आपको इतना पढ़ना है। और ये कितने नंबर का आएगा, ये आएगा दोस्तों 30 नंबर का, ठीक है, 30 नंबर का। सिलेबस को ध्यान से देख लीजिए, सिलेबस बहुत अच्छी चीज है, इसको अगर आप पढ़ोगे अच्छे से तो आपके समझ में आएगा। फिर आएगा आपके पर्यावरण अध्ययन, मित्रों ये पर्यावरण ही क्यों आ रहा है आपके, ये पर्यावरण ही क्यों आ रहा है, क्योंकि पर्यावरण चलता है एक से लेकर पांचवी तक, पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन। अब पर्यावरण अध्ययन है ये आपके आएगा दोस्तों 20 नंबर का, कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का, ठीक है। अब पर्यावरण अध्ययन जो है जो आपके 20 नंबर का आएगा, कितने नंबर का आएगा, 20 नंबर का आएगा। अब 20 नंबर का क्या क्या आएगा पर्यावरण में, पर्यावरण में आपके आएगा सिंपल आपकी बीमारी के बारे में कि एनीमिया किसकी कमी से होता है, एनीमिया का मतलब क्या होता है, जैसे बेरी बेरी रोग क्या होता है, ठीक है, विटामिन सी की कमी से क्या होता है, ठीक है, डी की कमी से क्या होता है, विटामिन सी और डी कहाँ से किस कैसे मिलता है, ये तो है इसमें। फिर उसके बाद में पर्यावरण में क्या क्या कौन कौन से जीव जंतु पाए जाते हैं, कहाँ पे कौन सी वनस्पति पाए, यानी कि सिंपल गोच पोच नहीं करना है, भारी भरकम यूपीएससी की तैयारी थोड़ी कर रहे हैं हम तो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन छोटे छोटे बच्चों को, नन्हे नन्हे बच्चों को पढ़ाना है साहब, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो हमें पर्यावरण का ज्ञान होना चाहिए, पर्यावरण, ठीक है। अब उसके बाद में बात आती है कि नेक्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या आएगा, कंप्यूटर। अब कंप्यूटर की बात अगर करें तो यहां पे बेसिक कंप्यूटर आएगा, कौन सा कंप्यूटर आएगा, बेसिक जनरल कंप्यूटर आएगा। अब जनरल कंप्यूटर ये आएगा 10 नंबर का। अब ये कंप्यूटर क्यों आ रहा है साहब, अरे साहब कंप्यूटर इसलिए आ रहा है कि आप नए युग में आ गए हो भाई, 21वीं शताब्दी में चल रहे हो, अब 21वीं शताब्दी में अगर आप चल रहे हो तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान है कि नहीं है, क्यों, क्योंकि हर एक जगह कंप्यूटर की भूमिका होने लग गई आजकल, आपकी जो क्लास चल रही है कंप्यूटर का ही तो है, तो कंप्यूटर का ज्ञान होना जरूरी है, हर एक डेटा, आप विद्यार्थी कितने हैं, विद्यालय में भी काम पड़ता है क्योंकि उसको आपको प्रबंध पोर्टल पे चढ़ाना होता है बच्चों को, आपको अपने पोर्टल पे अलग अलग तरीके से दर्शाना होता है, आपको अलग अलग तरीके से बच्चों को क्या नाम से कंप्यूटर के माध्यम से खेल खिलाना होता है, एक्टिविटीज करानी होती है, स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से आपको एक्टिविटी कर, ये इसलिए बेसिक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, तो आपको बेसिक कंप्यूटर की जानकारी आपको आनी चाहिए, जिसमें क्या है कि आपका वर्ड क्या होता है, एमएस एक्सेल क्या होता है, पावर पॉइंट क्या होता है, ठीक है, पीपीडी कैसे बनाई जाती है, कंप्यूटर पे नेट कैसे चलता है, ये सब चीजें होती है, वो शॉर्ट की क्या होती है, ये सब क्या, ये सब पूछा जाता है। और फिर उसके बाद में आएगा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान क्या आएगा बेटा, सामान्य ज्ञान ये भी कितने नंबर का आएगा, 10 नंबर का। ऐसे करके टोटल हमारा 150 नंबर हो जाता है, कितने नंबर हो जाता है, 150 नंबर हो जाता है, कितने नंबर हो जाता है, 150। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये 150 नंबर लाने के लिए, 150 नंबर की मेहनत करने के लिए आपको थोड़े दिन, सिर्फ 6 महीने की तपस्या करनी है, और 6 महीने की तपस्या में सिर्फ 4 महीने कोचिंग के साथ कर लो और 2 महीने इसके बाद कर लो, मेरी गारंटी है दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको इससे रोक दे, शिक्षक भर्ती से रोक दे, आपको
आना है, मैदान में उतरना है, और उतरने के बाद में आपको इस तरीके से तैयारी करनी है। आप सुनना मेरी बात, इसमें भी अपन टुकड़े करते हैं। आप कहोगे कि सर क्या टुकड़े करोगे अब इसमें? अब देखो, देखते हैं। देखो भाई, बाल विकास है, बाल विकास में दो प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो बाल विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे और एक पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आएंगे। किससे संबंधित प्रश्न आएंगे? पेडागोजी। अब पेडागोजी का मतलब क्या होता है? शिक्षा शास्त्र होता है साहब। अब एक बात बताओ, आप टीचर बनने जा रहे हो और शिक्षा शास्त्र का अगर आपको ज्ञान ही नहीं है, शिक्षण विधियों का ज्ञान नहीं है, शिक्षण सूत्रों का ज्ञान नहीं है, आपको एनसीएफ 2005 का ज्ञान नहीं है, आरटी 2009 का राइट टू एजुकेशन उसका ज्ञान नहीं है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्या? तो कहने का मतलब यहां है, यहां पे दो टुकड़े हो जाते हैं, दो टुकड़े। 20 इधर कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि यहां हिंदी वाला लिख देंगे अपन, यहां कर देता हूं बेटा, है ना, यहां देखना। तो ये सब चीजें तो होगी अपनी, लेकिन अब इसके टुकड़े करके पढ़ने हमें। इसमें भैया 20 क्वेश्चन तो आएंगे आपके बाल विकास से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित। अब बाल विकास से संबंधित, मनोविज्ञान से संबंधित, उसमें सिलेबस क्या क्या है वो भी मैं आपको आज बताऊंगा, अभी बताऊंगा, ठीक है? और क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? 20 क्वेश्चन तो आपके आएंगे बाल विकास मनोविज्ञान से संबंधित, और प्लस 10 क्वेश्चन आएंगे पेडागोजी से संबंधित। पेडागोजी में क्या है? एनसीएफ 2005 है, आरटी 2009 है, मूल्यांकन है, मापन मूल्यांकन है, ये है, ठीक है? ये आपके पेडागोजी से संबंधित प्रश्न आएंगे, और शिक्षण सूत्र है, शिक्षण विधियां है, ठीक है? उसके बाद में आपके हिंदी में, हिंदी की अगर चर्चा करें तो बेटा हिंदी में टॉपिक कितने होते हैं आप देख लीजिए। हर एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन आएगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो उसे रोक दे। हिंदी में टॉपिक आपके होते हैं लगभग 17 से 18 टॉपिक होते हैं, देख लेना उठा के, ठीक है? तो हम यहाँ पे 18 क्वेश्चन की बात करें तो 18 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी से संबंधित। किससे संबंधित? हिंदी से संबंधित। और हिंदी को पढ़ाने के लिए शिक्षण विधियां होती है साहब, शिक्षण विधियां होती है, शिक्षण सूत्र होते हैं, ठीक है? अर्थात हम कहें यहाँ पे कि यहाँ भी हिंदी की पेडागोजी चलेगी, शिक्षा शास्त्र यहाँ पे चलेगा। तो बचे कितने क्वेश्चन? 7। जो 7 नंबर का मामला है वो आपकी शिक्षण विधियों का होगा, और शिक्षण विधियां भाई साहब इतनी जबरदस्त होती है, आप अगर पढ़ोगे ना तो मजा आ जाएगा। और आपने पढ़ी भी है, और बताऊं कैसे? क्योंकि जब आपने एसटीसी या डीएड या बीएड आपने जब करी थी, तब आपको टीचर के द्वारा या फिर वहां पे संस्था में आपको पढ़ाया गया था कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाओगे आप, किस विधि से पढ़ाओगे, खेल विधि से पढ़ाओगे, गायन विधि से पढ़ाओगे, वाचन विधि से पढ़ाओगे, या फिर यहाँ पे कौन सा शिक्षण सूत्र लगाओगे, सामान्य से विशिष्ट का लगाओगे, स्थूल से सूक्ष्म का लगाओगे, उदाहरण से नियम की तरफ चलोगे, यानी कि शिक्षण विधियों का ज्ञान होना जरूरी है। तो यहाँ पे इस तरीके से आएगा। फिर बात आती है अंग्रेजी की, या इसमें अगर अंग्रेजी नहीं लेते हैं तो संस्कृत का ऑप्शन आता है, या उर्दू का ऑप्शन आता है, या फिर पंजाबी का ऑप्शन आता है, वो ही सेम कंडीशन हो जाती है दोस्तों। यहाँ भी अंग्रेजी के, संस्कृत के इतने टॉपिक हैं जो आपको एक टॉपिक में से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, कोई नहीं रोक सकता, कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको रोक दे कि नहीं साहब ये प्रश्न नहीं है। अरे आया है, उसका उदाहरण देखो ना, पिछले सालों के क्वेश्चन उठा के देख लो, पिछले जितने भी पेपर लगे हैं उनके क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, आपको हमेशा मिलेगा कि यहाँ पे जो अंग्रेजी का जो टॉपिक है वो आएंगे ही आएंगे। 17 से 18 टॉपिक हैं अंग्रेजी के, संस्कृत के 17 से 18 टॉपिक है, वही उर्दू के हैं, तो वो ही 17 से हर एक टॉपिक में से एक प्रश्न आएगा, बनेगा, लिख लो, ढूंढ लो, चाहे कहीं से भी कुछ भी कर लो। तो यहाँ पे 18 नंबर की हमारी क्या आएगी? अंग्रेजी संस्कृत, यानी कि अंग्रेजी लेना चाहो तो अंग्रेजी, संस्कृत लेना चाहो संस्कृत, या उर्दू उर्दू, पंजाबी या पंजाबी, ठीक है? तो 18, फिर उसके बाद में 7 नंबर का आएगा आपकी शिक्षण विधियां, शिक्षण विधियां। आ गई बात समझ में? लो जी, गणित की अगर बात करें तो साहब गणित में मैं आपको यकीनन के साथ कह दूं कि गणित में आपके बिल्कुल सरल होता है, भिन्न किसे कहते हैं? अब भिन्न किसे कहते हैं ये प्रश्न आएंगे, रेखाएं किसे कहते हैं, और उसके बाद में हमारे जो जनरल प्रश्न बनते हैं उसके साथ साथ शिक्षण विधियां चलती हैं। अब शिक्षण विधियों में हम बात करें तो यहां पे टॉपिक आएंगे 17। देखना भाई, मैं
बता रहा हूं 17 से 18 टॉपिक हैं, ठीक है, वो तो आपके प्रश्न पूछ लेंगे। अब प्रश्न पूछने के बाद में आपके जो बचे हैं वो 13 नंबर की आएगी शिक्षण विधि। अब मैं आपको बता देता हूं, जिस भी साथी को गणित से डर लगता है तो डरना मत बिल्कुल भी, घबराना मत बिल्कुल भी, क्योंकि हम बैठे हैं आपके लिए, बैठे हैं आपकी टीम है, हम आपके साथ काम करेंगे, आप आओ तो सही, ठीक है। अब कहोगे कि सर ये 17 नंबर, भाई आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग अगर आपके नहीं है तो अब आपको क्या करना है, 17 नंबर में से आप 10 नंबर तो आराम से ले आओगे। कहते हैं ना, जय बजरंग बली की ठोको, जय माँ सरस्वती की ठोको। फिर उसके बाद में 13 नंबर, शिक्षण विधियां बहुत सीधी होती हैं। अगर पढ़ाने वाला टीचर अच्छा है, पढ़ाने वाला शिक्षक अच्छा है, उसको अच्छे तरीके से शिक्षण विधियों का ज्ञान है, तो वो यकीन के साथ कह दूं, वो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा, वो अच्छे तरीके से आपको बताएगा, और शिक्षण विधियों में 13 में से 13 नंबर दिलवा सकता है, यकीन ध्यान। पर्यावरण अध्ययन की बात करें तो पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान, देखो यहाँ पे मैं कंप्यूटर को बीच में लिखा हुआ हूँ, लेकिन इसको पर्यावरण अध्ययन को और सामान्य ज्ञान को अगर आप देखोगे तो पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान को क्या है कि पहले एक साथ आता था, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन और सामान्य ज्ञान आज भी एक साथ ही समझो, सिलेबस में अलग अलग समझ लो कि 10 10, इधर 20 का आएगा इधर 10 का आएगा, लेकिन ये एक साथ ही आएगा। अब इसमें क्या है, आती तो है शिक्षण विधियां आती तो है पर्यावरण अध्ययन में, लेकिन यहां पर आपको 15 नंबर का ये आएगा और 5 नंबर का शिक्षण विधियां आएंगी ही आएंगी, ठीक है। मतलब 20 नंबर का है तो 5 नंबर की शिक्षण विधि आएंगी। अब पर्यावरण में क्या, तो पर्यावरण और सामाजिक विज्ञान या सामान्य ज्ञान, पर्यावरण सामाजिक विज्ञान या सामान्य ज्ञान, इनकी शिक्षण विधियां, इन दोनों की शिक्षण विधियां, इन दोनों की शिक्षण विधियां सेम होती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो यहां पे आप मान के चलो कि इसको अलग करा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग भले ही कर दो, लेकिन है पर्यावरण का ही ज्ञान, ठीक है, इतनी बात ध्यान रहे। उसके बाद में कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर है साहब, ये तो 10 नंबर का आएगा ही, और ये यहाँ पे पर्यावरण है, ये 10 नंबर का आएगा। कहने का मतलब ये है कि पर्यावरण के अंदर आपको साइंस से रिलेटेड प्रश्न भी डालेंगे, पर्यावरण में आपको क्या है, साइंस से रिलेटेड प्रश्न डालेंगे पर्यावरण में, जो 20 नंबर का है इसमें मैं आपको बता देता हूँ, साइंस से रिलेटेड प्रश्न डालेंगे। और सामान्य ज्ञान जो है इसमें आपके संविधान से रिलेटेड प्रश्न डालेंगे, ठीक है, करंट से तो वैसे डालेंगे नहीं, बाकी देख लेना, करंट वैसे नहीं 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 डालेंगे, है ना, इतना आपको उलझाएंगे नहीं, भी पीएससी की थोड़ी ना कर रहे हैं तैयारी, ठीक है। साइंस से रिलेटेड पर्यावरण में डालेंगे, और सामान्य ज्ञान में आपका इतिहास से रिलेटेड डालेंगे, ज्योग्राफी से रिलेटेड डालेंगे, और आपके संविधान से रिलेटेड डालेंगे, यानी पॉलिटिकल से रिलेटेड डालेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे तैयारी कर सकते हो। 150 नंबर आपको लाने ही हैं, 150 में से 150 लाने, कोई बात नहीं जी, 150 में से 150 मत लाओ, आप 130 नंबर ले आओ, 20 नंबर हम काट देते हैं, 130 नंबर ले आओ, सिलेक्शन पक्का है, कोई दुनिया की ताकत नहीं है, कोई धरती पे रोकने वाला नहीं है कि आपको 130 नंबर से छत्तीसगढ़ में नौकरी लगने से, शिक्षक भर्ती में नौकरी लगने से रोक दे, कोई भी नहीं रोकेगा मित्रों, मैं ये आपको लिख के दे देता हूं, लिख के दे देता हूं कि आपको कोई नहीं रोकेगा। ये सिलेबस है, और इस सिलेबस की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए कॉम्पिटिशन विंग छत्तीसगढ़ के रायपुर भिलाई में आपके लिए तैयार है, आप आइए, स्वागत है आपका, जितने जल्दी आओगे उतने जल्दी आपको फायदा मिलेगा, अच्छा फ्रेश बैच मिलेगा, तैयारी होगी, और इस सभी तैयारी से आपको फायदा क्या क्या होगा, इन सभी सब्जेक्ट को पढ़ने से आपको फायदा यह होगा कि आप छत्तीसगढ़ की तैयारी तो तैयार कर ही रहे हो, शिक्षक भर्ती की तैयारी तो कर ही रहे हो तैयार, उसके साथ में आप सीटेट, किसकी तैयारी में, यह आपकी सीटेट भी क्लियर करवाएगा, सीटीटी, डीएसएसबी, ये दिल्ली से होती है डीएसएसबी, ये केवी, इधर लिख देता हूं केवीएस, ये तैयारी भी आपको करवा रहा है, साथ में यही तैयारी होगी, सिलेबस यही है, बस मन से लगन से आपको पढ़ना है, अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद में बात आएगी कि टेट, चाहे एमपी टेट हो चाहे सीजी का तो अपना चल ही रहा है, ठीक है, या फिर हो अपना बिहार टेट, बी टेट,
सभी प्रकार के जो भी टेट हैं वो यहाँ पे आपको तैयार हो जाएंगे, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सिलेबस आपका आना चाहिए। अब बोलते हो कि सर इसमें पूछेंगे क्या क्या, बाल विकास में, बाल विकास में क्या क्या पूछेंगे, मैं आपको इसको विस्तार से बता देता हूं। हिंदी में बता, पहले हिंदी में बात कर लेते हैं दोस्तों। हिंदी की बात मैं इसलिए पहले कर रहा हूं कि हिंदी में आपको ये तो ध्यान है कि जब से हम बचपन से लेकर आज तक अब तक हमने हिंदी ही पढ़ा है, और हिंदी पढ़ा है तो हमें हिंदी में 25 में से 23 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। 25 में से 23 नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर अच्छा मार्गदर्शक आपके साथ है, अच्छा इंस्टीट्यूट आपने चुन रखा है, और अच्छे अनुभवी शिक्षक आपके पास हैं, तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो रोक सके। अब इसमें आएगा क्या क्या, वो ही आएंगे साहब। संधि आएगी, समास आएगा, प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, शुद्धि आएगी, अशुद्धि आएगी, गद आएगा, पद आएगा, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या नाम से एकल शब्द आएंगे, मुहावरे आएंगे, लोकोक्ति आएंगे। अरे यही तो पढ़ाया आपने, और क्या आएगा? और आएगी शिक्षण विधियां, और शिक्षण विधियां वो तो आपके ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी, मेरी गारंटी है, क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है, और नहीं पढ़ा तो शिक्षक है, पढ़ाने के लिए हम तैयार हैं। तो ये आएगा सब अंग्रेजी में, वही आपके आएंगे अंग्रेजी में, जो जो हिंदी की व्याकरण होती है वही अंग्रेजी की ग्रामर चलती है, तो सेम ग्रामर आएगी। संस्कृत में क्या आएगा? अब संस्कृत में ये आएगा साहब, संस्कृत में आपके आएगा प्रत्यय आएगा, उपसर्ग आएगा, संधि आएगा, समास आएगा, है लोक, इसमें आपके क्या नाम से ये शब्द रूप आएंगे, धातु रूप आएंगे, कारक आएंगे, विभक्ति चिन्ह आएंगे, यही तो आपने पढ़ा है। और अगर यहां भी अगर आप कंफ्यूज हो तो फिर आपको किसी न किसी मार्गदर्शक की जरूरत है, आपको आना ही पड़ेगा। 18 नंबर का टॉपिक आएगा और 7 नंबर की शिक्षण विधि आएंगी, तैयार करिए। 25 नंबर का मामला है। और गणित, गणित में क्या आएगी? वही आएंगे भिन्न आएंगे, रेखाएं आएंगी, ठीक है। और लघुत्तम समापवर्ती, महत्तम समापवर्ती है, ये आएंगे, ठीक है। जनरल जो गणित होती है, ऊपर ऊपर वाली गणित होती है, उड़ी उड़ी गणित होती है, वो आएगी, ठीक है। ये चीजें आएंगे। पर्यावरण, पर्यावरण मैंने आपको बताया साइंस से रिलेटेड प्रश्न आ जाएंगे, पर्यावरण में साइंस से रिलेटेड प्रश्न आएंगे, ठीक है। और साइंस से रिलेटेड के साथ साथ अपने पर्यावरण जो भी है, जो चलता है, वो आएगा। कंप्यूटर में बेसिक कंप्यूटर आएगा। बेसिक कंप्यूटर कौन कौन सा होता है भाई? आप एक जनरल कंप्यूटर जब चलाना सीखते हैं, जिसे हम कहते हैं बेसिक बेसिक कंप्यूटर करने जा रहे हैं, तो वो सब चीजें आएंगी, ठीक है। जो विद्यालय में जैसे पोर्टल पे काम करना आपको आता है नहीं आता, पीपीटी बनाना आता है कि नहीं आता, वर्ड पे काम करना आता है कि नहीं आता, एक्सेल पे काम करना आता है कि नहीं आता, शॉर्टकट की आती कि नहीं आती, टाइपिंग करना आता है कि नहीं आता, ये सब चीजें होंगी आपकी। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपके 3 प्रकार के टॉपिक आ जाते हैं। सामान्य ज्ञान में थोड़ा सा है 10 नंबर का, लेकिन उलझो मत। देखो ज्ञान सामान्य है, लेकिन बातें थोड़ी विस्तार से आ जाएगी। इसमें पॉलिटिकल से संबंधित प्रश्न आ जाएंगे, इसमें अपने पॉलिटिकल के ज्योग्राफी से संबंधित आ जाएगा, हिस्ट्री से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। और 10 नंबर का है, ज्यादा कुछ बर्डन नहीं है। आप तैयारी करो, बिंदास होकर तैयारी करो, जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। शिक्षक भर्ती आपको निकालनी है, 33,000 जो पद हैं, 33,000 जो पद हैं, इन 33,000 पदों पे काम करना है। आपको सिर्फ एक पद निकालना है वहां से, ज्यादा किसी के गोच पोच तरीके से मत पढ़ना। अब पढ़ना कैसे है? कई बोलते हैं सर हम कैसे पढ़ें, कैसे नहीं पढ़ें। अरे पढ़ना तो आसान है, कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4। अब 4 सब्जेक्ट तो ये हैं, ठीक है। अब ये जो पर्यावरण है और सामाजिक ज्ञान है, इसको एक करके पढ़ना, पर्यावरण और सामाजिक ज्ञान इसको एक करके पढ़ना, तो ये हो गए 5, ठीक है, 5। और एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर को आप चलते फिरते पढ़ना। आप कैसे पढ़ना? 2 घंटे आप मनोविज्ञान पढ़ना, बाल विकास, ठीक है, 2 घंटे आप बाल विकास पढ़ना। कोई भी आपका सुबह का टाइम हो, 2 घंटे निकाल लो। जैसे मैं एक फॉर एग्जाम्पल आपको बता देता हूं, सुबह आप 5 बजे आराम से उठो, 5 बजे उठो, और उठने के बाद में 1 घंटे में आप अच्छे तरीके से आपकी जो भी क्रियाकलाप है वो कर लीजिए, नाना धोना फ्रेश होना वो कर लीजिए, भगवान की पूजा जरूर करा करो, माता को जरूर याद किया करो, क्यों, वही है हमें जीत दिलाने वाली, और एक अपने माता पिता है, और उसके अलावा कोई नहीं चाहता कि हम नौकरी लगे, क्यों, क्योंकि हर एक आदमी तो कंपटीशन में चल रहा है हमारे। तो कहने का मतलब यह है सुबह जल्दी उठो, और जल्दी उठने के बाद में आप सभी क्रियाओं से फ्री होके 10 बजे, वो सॉरी 6 बजे, 6 से लेकर 6 से 7, 7 से 8, 2 घंटे का टाइम सबसे पहले मनोविज्ञान पर डालो,
बिल्कुल फ्रेश टाइम है, बिल्कुल कूल टाइम है, अच्छा टाइम है, मनोविज्ञान पढ़ डालो, ठीक है, 2 घंटे। और 2 घंटे के बाद में आपको 10 मिनट रेस्ट करना है। अब 10 मिनट रेस्ट करना है तो कैसे करना चाहिए, तो आप चाय पी के आ जाओ, चाहे आप पानी पी लीजिए, चाहे आप गर्दन को थोड़ी नीचे करके या फिर थोड़ा सा टहल लीजिए, गर्दन को नीचे करके बैठ जाइए। क्यों? क्योंकि एक मेमोरी होती है, तो ये हमारा दिमाग है, ये मेमोरी है, इसको क्या करोगे आप, इसको सेव करोगे। अब अपना जो डेटा होता है वो सेव होता है भाई, है ना, इसको क्या करते हैं हम सेव करते हैं, जो भी हमने पढ़ाया 2 घंटे में उसको हम सेव करते जाएंगे, सेव करते जाएंगे, यानी कि चेतन मन से, ये जो है वो चेतन मन है, और इसके अंदर हम जो सेव कर रहे हैं वो अचेतन मन में जाना चाहिए। तो 2 घंटे का जो मैटर हमने पढ़ा है वो कहाँ चला जाएगा, अचेतन मन में चला जाएगा। और वो वापिस उठ के कब आएगा, जब हम एग्जाम सेंटर पे जाएंगे और प्रश्न पत्र हल करेंगे, तब वो अचेतन मन से उठकर चेतन मन में वापस आएगा और हम उसको हल कर देंगे। तो 2 घंटे, फिर 10 मिनट का रेस्ट किया, 10 मिनट का रेस्ट करने के बाद में फिर वही 8:10 पे, यानी कि वही 8 बजे से लेकर फिर 2 घंटे आप आराम से हिंदी पढ़ दीजिए, 8 से 9, 9 से 10 हिंदी पढ़ लीजिए। हिंदी पढ़ने के बाद में एक तो एक सब्जेक्ट हो गया थोड़ा सा डीप, एक हो गया थोड़ा हल्का फुल्का, ठीक है, हिंदी पढ़ दिया। अब हिंदी पढ़ने के बाद में आपको वही 10 मिनट रेस्ट करना है। 10 मिनट आपके वो कम नहीं हो रहे, वो आपके इसी में जुड़ रहे हैं, क्योंकि वो आप जब रेस्ट कर रहे हो अपनी आंखों को भी रेस्ट मिल जाता है, अपने दिमाग को भी रेस्ट मिल जाता है, अपने जब हम सिटिंग कर रहे हैं तो अपनी कमर को भी रेस्ट मिल जाता है। तो वो रेस्ट मिलना ही आपको क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा और आगे की तरफ आपको प्रेरित करेगा कि हाँ मैं तैयार हो गया, 10 मिनट में फिर से तैयार हो गया। फिर उसके बाद में आप यहाँ पे अंग्रेजी संस्कृत को छोड़ दीजिए, अब आप आ जाइए पर्यावरण पे, ठीक है, पर्यावरण कह दो और सामाजिक ज्ञान, दोनों को मैंने एक करके बताया, पर्यावरण सामाजिक ज्ञान। तो 2 घंटे आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, 10 से 11, 11 से 12, 10 से 11, 11 से 12 आप 2 घंटे आराम से पढ़िए। अब आराम से पढ़ोगे तो फिर क्या होगा कि हम आराम से जब पढ़ेंगे तो हमें जो भी हमने पर्यावरण में और सामाजिक ज्ञान में जब पढ़ा, तो हमें अब टाइम मिलेगा खाना खाने का। अब खाना खाने का जो पड़ा, खाने खाने का जो टाइम मिलेगा, तो उसमें क्या करेंगे हम, उस चीज को रिवाइज करेंगे खाते समय भी थोड़ा थोड़ा। हाँ मैंने बाल विकास में ये पढ़ लिया था, हाँ मैंने हिंदी में ये कवर कर लिया था, हाँ मैंने पर्यावरण सामाजिक ज्ञान में ये कवर करा था, बस इतना ही याद करना है। और उसके बाद में आराम से आप 1 घंटे तक खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 घंटे तक आराम से सो, यानी कि 12 से 1, 1 से 2, बिल्कुल तरीके से आप चाहे इसमें खाना खा सकते हो, इसमें आप सो सकते हो, यानी कि 2 बजे तक, यानी 2 घंटे का टाइम है, आराम से रेस्ट करो, क्योंकि ये दिमाग है थक जाता है, परेशान है, छोटा सा है, नन्ना सा है, मुन्ना सा है, चेतन मन है भाई, ये थक जाता है, तो इसको थोड़ा रेस्ट दीजिए। 2 घंटे के बाद में 2 से 3, 3 से 4, 2 से 3, 3 से 4, अब आ जाइए 2 से 3, आप उठे हो भाई। तो हमने क्या छोड़ा था यहाँ पे, अंग्रेजी, हमने क्या छोड़ा था यहाँ पे, अंग्रेजी, फिर अंग्रेजी हमने छोड़ा था तो उस अंग्रेजी को हमने पढ़ना है, ठीक है, अंग्रेजी को पढ़ना है या फिर संस्कृत को पढ़ना है, अंग्रेजी संस्कृत में से आप जो ले रहे हो वो पढ़ना है। क्लियर हो गया? 2 घंटे यानी कि 2 से 3, 3 से 4, ये हमें पढ़ना है। अब उसके बाद में अब पूरा जो समय बचा आप इस गणित को दीजिए, गणित को दीजिए, यानी कि 4 से 5, 5 से 6 और 7 बजे तक गणित को दीजिए। कितने बजे तक? 7 बजे तक। और 7 बजे के बाद में आराम से 7 से 8 बजे तक रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, घूमो फिरो, आप खेलो, खेल भी सकते हो साहब, रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि 7 से 8 बजे तक आपको रेस्ट करना है, अच्छे से रेस्ट करना है। और रेस्ट करने के बाद में आपको फिर से 8 से 9 बजे तक आपको कंप्यूटर पढ़ना है, 1 घंटा ही कंप्यूटर पढ़ना है, ज्यादा मत पढ़ना, 1 घंटा बहुत है, 1 घंटा कंप्यूटर पढ़ना है। और जैसे ही अपन 9 बजे होंगे हम किताब को बंद कर देंगे, और बंद करने के बाद में 9 से 10, 9 से 10 का जो टाइम है उसमें आराम से आप खाना खाओ, आराम से मुंह धो, और आराम से खाना खा के मुंह धोने के बाद में थोड़ा रेस्ट करने के बाद में 1 घंटे का रेस्ट करने के बाद में, और फिर आता है 10 से 11 का जो टाइम, इसमें आज हमने क्या किया, हम कितने बजे उठे, आज हमने कौन सा विषय पढ़ा, कैसे पढ़ा, उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ा, ठीक है, हिंदी में क्या पढ़ा, गणित में क्या पढ़ा, मनोविज्ञान में क्या पढ़ा, पर्यावरण सामाजिक ज्ञान में क्या पढ़ा, वो सब एनालिसिस करो, वो एनालिसिस करो, ये होगा, ये तो हो गया घर बैठे तैयारी करने का मामला, ठीक है।
घर बैठे तैयारी करने का। अब बात आती है कि आपको क्या करना है, इंस्टीट्यूट जाना है कि साहब हमें कोचिंग भी तो जानी है, बिल्कुल जानी है, कोचिंग को नहीं छोड़ना है। कोचिंग का एक टाइम हो जाएगा फिक्स, और कोचिंग में आपकी 4 से 5 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी, 4 से 5 घंटे कंटिन्यू क्लास चलेगी, और उसको हटा देना और उसके बाद में 2-2 घंटे का पैक बना लेना, उसको हटा देना, 2-2 घंटे का पैक बना लेना, और सिर्फ अपना जो है कंप्यूटर उसके लिए 1 घंटा दे देना। उसके अलावा आप निश्चित एक टाइम निकाल लेना कि साहब मैं इसके लिए ये टाइम दे सकता हूँ, इसके लिए टाइम दे सकता हूँ, लेकिन उठना आपको 5 बजे ही पड़ेगा, उठना आपको 5 बजे ही पड़ेगा, ठीक है, और सोना आपको 11 बजे पड़ेगा, सो 11 बजे, 5 बजे, ठीक है, खूब आराम से अच्छी नींद भी हो जाएगी। और दिन के सोने की बात आए तो दिन में आप 2 घंटे जहां सो रहे थे वहां 1 घंटे कर देना जब कोचिंग जाने लग जाओ, ठीक है। ये सब चीजें हैं, आपको तैयारी करवाएंगे कॉम्पिटिशन विंग में, कॉम्पिटिशन विंग में, ये है रायपुर भिलाई छत्तीसगढ़ में, आपको आना है, तैयारी करना है, अनुभवी शिक्षकों के साथ तैयारी करनी है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, लिखना है, समझना है, और ये मेरे हिसाब से ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होगी सिलेबस से संबंधित। अब बात आती है कि बाल विकास में क्या क्या आएगा, चलो बाल विकास में क्या क्या आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि बाल विकास जो विषय है उसको मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, और इसका पाठ्यक्रम आपका है वो अच्छे तरीके से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, ठीक है, क्या करवा देता हूँ, क्लियर। बाल विकास है जो 30 नंबर का आएगा, और 30 नंबर में से आपके हैं जो 20 नंबर बाल विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, और 10 नंबर 20 से 21 नंबर बाल विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, और 9 से 10 नंबर तक आपके आएंगे किससे संबंधित प्रश्न, पेडागोजी से संबंधित। पेडागोजी में आपके मापन मूल्यांकन आ जाएगा, एनसीएफ आ जाएगा, आरटीई आ जाएगा, ठीक है, ये सब चीजें आपको पूछ ली जाएगी, और नई शिक्षा नीति के बारे में पूछ लिया जाएगा, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के बारे में पूछ लिया जाएगा, ठीक है, और आपको ये सब चीजें आपको बारी बारी से पूछ ली जाएगी। अब मैं आपको यहां पर बाल विकास का पाठ्यक्रम बताने जा रहा हूं, तो थोड़ा सा आप यहां पे गौर कर लीजिए। बाल विकास, अब बाल विकास इसे हम कहते हैं सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और इसे ही हम कह देते हैं मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान, जैसा कि हमने आपको बताया है कि मनोविज्ञान क्यों दिया, क्योंकि ये जो आता है तो ग्रेड फर्स्ट में और ग्रेड सेकंड में मनोविज्ञान बन के आ जाता है, क्या बन के आ जाता है, मनोविज्ञान, और सहायक शिक्षक, शिक्षक भर्ती, इसमें बन के आ जाता है बाल विकास। तो बाल विकास में मैं आपको बता देता हूं थोड़ा थोड़ा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम बात करेंगे मनोविज्ञान का परिचय। मनोविज्ञान का परिचय, ठीक है, उसके बाद में बात आती है मनोविज्ञान के परिचय में हम चर्चा करेंगे इसके इतिहास के बारे में। क्यों करेंगे दोस्तों, इसलिए करेंगे क्योंकि बाल विकास शाखा किसकी है, बाल विकास शाखा किसकी है, मनोविज्ञान की। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बाल विकास किसकी शाखा है, मनोविज्ञान की, और मनोविज्ञान की अगर शाखा है तो आप इसमें से बाल विकास है वो निकाल के बताओ, वो हम निकाल के बताएंगे। क्यों निकाल के बताएंगे, क्योंकि हमें बाल विकास पढ़ना है इस वजह से, ठीक है। मनोविज्ञान की 14 प्रमुख शाखाएं, उसमें से एक प्रमुख शाखा है बाल विकास, ठीक है। इसके बाद में है मनोविज्ञान का परिचय, मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाएं, ठीक है। उसके बाद में बात आती है बाल विकास, इस शाखाएं निकल जाएंगी तो इसमें से बाल विकास निकल जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे फिर बाल विकास का इतिहास, बाल विकास का इतिहास, क्यों इतिहास पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इतिहास में से प्रश्न पूछे गए हैं, पहले भी पूछे गए थे, आज भी पूछ लेते हैं, और अभी पूछते ही हैं, 100% पूछते हैं, कोई नहीं रोकता, ठीक है। इतिहास के बाद में बात आती है विकास को प्रभावित करने वाले कारक, विकास को प्रभावित करने वाले कारण, कारक क्या है, वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण, क्या है, वंशानुक्रम और वातावरण, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद में विकास के नियम पढ़ेंगे,
विकास के क्या पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, उसके बाद में विकास के सिद्धांत पढ़ेंगे, सिद्धांत पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे विकास क्रम में होने वाले परिवर्तन, परिवर्तन, उसके बाद में हम पढ़ेंगे, उसके बाद में हम इसमें पढ़ेंगे अभिवृद्धि एवं विकास में अंतर, अभिवृद्धि विकास में अंतर, उसके बाद में हम पढ़ेंगे अवस्थाएं, जिसके लिए आप बहुत बेचैन रहते हो कि हमें अवस्थाएं पढ़नी, अवस्थाएं पढ़नी, तो अवस्थाओं में हम पढ़ेंगे इसमें शैशवावस्था, क्या पढ़ेंगे, अवस्थाएं, सभी प्रकार की अवस्थाएं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, और किशोरावस्था, किशोरावस्था, ठीक है। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अवस्थाओं के बाद में विकास के सिद्धांत, ये विकास के सिद्धांत हमने लिख दिया, हाँ, इसके अवस्थाओं के बाद में बालक का जो लंबाई, चौड़ाई, वजन, भार, ऊंचाई, ये इसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, शारीरिक विकास के बारे में, शारीरिक विकास के बारे में। शारीरिक विकास, अब शारीरिक विकास में क्या आएगा, लंबाई, चौड़ाई, वजन, ठीक है, और इसमें आपके पूछा जाएगा कि दांत की संख्या कितनी होती है, बचपन में कितनी होती है, बाद में कितनी होती है, क्रंदन किसे कहते हैं, ये सब चीजें, यानी कि इसमें शारीरिक विकास के बारे में हम चर्चा करेंगे, तब जाके यह आपके बाल विकास का एक यूनिट खत्म हो जाता है ना। उसके बाद में चर्चा आएगी नेक्स्ट, उसके बाद में चर्चा आएगी बाल विकास में आपके समायोजन की, समायोजन कौन सी परिस्थिति में बच्चा समायोजन करता है, किस किस तरीके से समायोजन करता है, ठीक है, और समायोजन के लिए उसको क्या करना जरूरी है, समायोजन, समायोजन के बाद में हम पढ़ेंगे बुद्धि, बुद्धि लब्धि का सिद्धांत किसने दिया, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, टर्मन की बुद्धि लब्धि की क्या क्या विशेषता है, टर्मन की बुद्धि लब्धि कैसे निकालते हैं, IQ, ठीक है, बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, बुद्धि के बाद में हम पढ़ेंगे अधिगम, अधिगम में, अधिगम में का मतलब होता है लर्निंग, लर्निंग बच्चा कैसे सीखता है ना, सीखना, अब सीखने का मतलब यह है कि क्या है कि कुछ मनोवैज्ञानिकों ने, कुछ क्या, अधिकांश मनोवैज्ञानिकों ने क्या किया, जानवरों पर प्रयोग किया, और जानवरों के ऊपर प्रयोग करने के बाद में अपने ऊपर अप्लाई किया कि जिस प्रकार से एक जानवर के ऊपर हम इस तरीके अपना शोध करते हैं, प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार से बच्चे भी इस तरीके से सीखते हैं, जैसे कुत्ते पर प्रयोग किसने किया, बिल्ली पर किसने किया, किसने किया, और ये सब चीजें। फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा, व्यक्तित्व, पर्सनालिटी किसे कहते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी, ठीक है, अलग अलग तरीके से पर्सनालिटी को मापा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे अपना चिंतन, चिंतन, फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा, अब पेडागोजी की बात कर रहा हूं, समावेशी शिक्षा, समावेशी शिक्षा के बाद में हम पढ़ेंगे विशिष्ट अधिगम बालक, यानी कि विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशिष्ट अधिगम वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बालक। अब विशेष आवश्यकता वाले बालक कौन कौन से होते हैं, CWSN, CWSN, Children with special needs, Children with special needs कैसे होता है, मैं आपको
बता देता हूं, एस एन सी डब्ल्यू एस एन। सी डब्ल्यू एस एन कौन से होते हैं? जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हो, ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से या तो बुद्धि लब्धि में बहुत अधिक आगे पहुंच जाते हैं, 140 के लगभग पहुंच जाते हैं, या फिर बुद्धि लब्धि में पिछड़ जाते हैं, जो मंद बुद्धि जड़ बुद्धि वाले हो जाते हैं, ये एक तो वो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं। सामान्य बालकों से ऊपर जाने वाले यानी कि बुद्धि लब्धि में ऊपर, और सामान्य बालकों से नीचे जाने वाले वो विशेष बालक, दोनों प्रकार के बालक विशेष कहलाएंगे। साथ में दिव्यांग बालक भी आ जाता है इसमें। कौन से बालक आ जाते हैं? दिव्यांग बालक भी। और दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है बेटा? 21 प्रकार की दिव्यांगता होती है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, इसमें 21 प्रकार की दिव्यांगता बताइए, बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने रखूंगा, 21 प्रकार की दिव्यांगता आपको पढ़ना है, ठीक है? तो ये विशेष आवश्यकता वाले बालक हमें पढ़ना है। उसके बाद में इसी में आते हैं कौन से बालक, इसमें वो बालक भी आ जाते हैं जैसे विशेष, वो भी विशेष ही होते हैं, डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया, यानी कि कोई गणित से संबंधित होता है, कोई पठन से संबंधित होता है, कोई लेखन से संबंधित होता है, वो सारे इसमें आ जाएंगे। ये चीजें हमें पढ़नी है। उसके बाद में बात करते हैं हम, यहाँ पे लिख देता हूँ, और मापन मूल्यांकन, मापन मूल्यांकन यानी कि मापन मूल्यांकन के बारे में हम सीखेंगे। फिर उसके बाद में बात आ जाती है, मापन मूल्यांकन के तुरंत बाद में बात आ जाती है एनसीएफ 2005, आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है? उसके बाद में पीडब्ल्यूडी, पीडब्ल्यूडी एक्ट, ठीक है? पीडब्ल्यूडी एक्ट एक तो 1992, और इसका संशोधन हुआ आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। अब ये क्यों पढ़ना पड़ रहा है हमें, पीडब्ल्यूडी एक्ट और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट? क्योंकि पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो दिव्यांगता थी वो 7 नंबर की थी दोस्तों, कितने थी? 7 दिव्यांगता थी। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में जब संशोधन हुआ, अब संशोधन कब हुआ? 2016 में हुआ। कब हुआ दोस्तों? 2016 में हुआ। और 2016 में जो संशोधन हुआ वो वहां पर दिव्यांगता हुई 21 प्रकार की। कितने प्रकार की? 21 प्रकार की। और पीडब्ल्यूडी थी 7 प्रकार की। वो इस वजह से पढ़ेंगे क्योंकि विशिष्ट बालकों का एक अलग से टॉपिक है, आपके अलग से एक खंड बना रखा है, एक अच्छा सा बना रखा है। ये इस प्रकार से आपका ये जो है ये सिलेबस आपका क्लियर होगा, मोटा मोटा ये आपको पढ़ने को मिलेगा। और अच्छे तरीके से इसके आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, इसके जो विगत एग्जाम में जो भी प्रश्न पूछे, जो विगत परीक्षाओं में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे आपको करवाए जाएंगे, ठीक है? ये तो आपका मनोविज्ञान और बाल विकास का सिलेबस है, ये सारा आपको मिलेगा कॉम्पिटिशन विंग अकेडमी में। और ये कॉम्पिटिशन विंग अकेडमी जो है ये छत्तीसगढ़ रायपुर भिलाई में आपकी है। ये सारा आपको याद होना चाहिए कि हमें इसमें बाल विकास में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक है आपके भाई। आप इसको एक एक को देख सकते हो, समझ सकते हो, और यहां से बिल्कुल सिस्टमेटिक यों 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 बढ़ेंगे, सीढ़ी, एक सीढ़ी पे, दूसरी सीढ़ी पे, तीसरी सीढ़ी पे, ऐसे हम बढ़ते हुए चलेंगे। इस तरीके से हमें पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है, अच्छी टीम के साथ पढ़ना है, क्वालिटी एजुकेशन के साथ पढ़ना है। क्वालिटी है, अच्छी आपको शिक्षा दी जाएगी यहाँ पे, कोई किसी प्रकार का कोई फ्रॉड नहीं होता है, कोई अच्छे तरीके से आपको मतलब बताया जाएगा, क्योंकि पिछली बार हमने बहुत सारे सिलेक्शन दिए हैं, आप उनसे बात कर सकते हो, हम एक एक स्टूडेंट के सिलेक्शनों की लिस्ट आपको दे सकते हैं, आप उसमें आइए और अपना। ओके, तो आज के लिए इतना ही था, आप इतना जानिए पहचानिए, और जल्दी से जल्दी 33,000 वैकेंसी को क्रॉस करने के लिए, 33,000 वैकेंसी में एक पद पाने के लिए जल्दी से अपने कंपटीशन विंग एकेडमी में ज्वाइन करिए नए बैचेज के साथ। और नए बैचेज प्रारंभ है आज से ही, अब से ही, इसी वक्त से, ठीक है दोस्तों? अब इस चीज के लिए तो इजाजत चाहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी बात को सुना, जाना, पहचाना और समझा, सिलेबस को हमने अच्छे तरीके से कवर करा है, ठीक है? आपको आना है और पढ़ना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम, जो हमारा कंटिन्यू जो टॉपिक चल रहा था उससे संबंधित बातें कर लेते हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे, उसको सीखना है, जिसमें हमने पढ़ा था पिछली क्लास में
बाल विकास के बारे में जाना था, तो उसका एक छोटा सा रिवीजन कराऊंगा वर्बलीज, और रिवीजन कराने के बाद में आपको आज हम पढ़ाएंगे बाल विकास को या विकास को प्रभावित करने वाले कारक। और विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। विकास को प्रभावित करने वाले दो प्रमुख कारक होते हैं वंशानुक्रम और वातावरण। और विकास को प्रभावित करने वाले कारकों के पश्चात हम आपको पढ़ाएंगे अवस्थाएं। और अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं? हमारी अवस्थाएं जो होती है वो होती है गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था की तरफ हम बढ़ जाएंगे। लेकिन मित्रों हमें यहाँ पे ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि अवस्थाएं हैं वो हमें पढ़नी है, सिर्फ हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग वो पढ़नी है हमें, एक तो शैशवावस्था, एक बाल्यावस्था और एक पढ़नी है हमें किशोरा अवस्था। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी हम विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की। विकास को प्रभावित करने वाले कारकों की अब विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख दो कारक हैं, तो पहला है वंशानुक्रम। क्या है? वंशानुक्रम। और दूसरा प्रमुख कारक है वातावरण। क्या है? वातावरण। ठीक है, अब वंशानुक्रम और वातावरण ये विकास को क्या करते हैं? हमेशा प्रभावित करते हैं। विकास को प्रभावित करने का मतलब क्या होता है कि हम किस किस तरीके से हमारे अंदर बुद्धि का विकास होता है, किस किस तरीके से हमारे विकास पर प्रभाव पड़ता है। तो हमने कल हमने चर्चा करी थी विकास के अंतर्गत चार मुख्य चीजें आती हैं हमारे। तो वो चार मुख्य चीजें कौन कौन सी है? हमारे विकास का जो संपूर्ण जो कोष बनता है वो बनता है शारीरिक विकास से, सामाजिक विकास मानसिक विकास से, सामाजिक विकास से और संवेगात्मक विकास से। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास से। इससे हम क्या करते हैं? हमारा शारीरिक ये पूरा संपूर्ण विकास जानते हैं। अब सबसे पहली बात करते हैं वंशानुक्रम की। किसकी बात करते हैं? वंशानुक्रम की। तो वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो यह विकास को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। बोल के बताऊंगा, देखना है, सीखना है और समझना है, फिर इसके सिद्धांत बताऊंगा। ठीक है, तो वंशानुक्रम का मतलब क्या होता है कि वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। इसके अंतर्गत बालक के अंदर, किसके अंदर? बालक के अंदर, जन्म के समय, या जन्म पूर्व की बात करें तो मां के गर्भ की बात कर रहे हैं यहां पे, जन्म के समय की बात कर रहे हैं तो जन्म लेते समय। ठीक है, बालक के अंदर जन्म के समय, जन्म पूर्व अपने पूर्वजों या अपने माता पिता के जो भी लक्षण आते हैं, वो क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वंशानुक्रम कहलाता है, बात आती है, सिंपल परिभाषा है, सिंपल आपको जाननी है कि विकास को प्रभावित करने वाले
दो प्रमुख कारक होते हैं जिसमें वंशानुक्रम होता है, एक होता है वातावरण। ठीक है, अब वंशानुक्रम को हम पढ़ने जा रहे हैं, तो वंशानुक्रम में क्या होती है परिभाषा कि वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है, जिसके अंदर बालक के अंदर जन्म के समय या जन्म से पूर्व यानी कि गर्भावस्था में, यहां हम पूर्व में लिखें तो गर्भावस्था भी करते हैं, गर्भावस्था में, गर्भावस्था में अपने माता पिता व पूर्वजों के जो कोई भी लक्षण आ जाते हैं बच्चे के अंदर, वो ही क्या कहलाता है, वंशानुक्रम कहलाता है। अब लक्षण की बात करें तो लक्षण भी कौन कौन से, शारीरिक मानसिक, शारीरिक और मानसिक। जब भी तो हम कहते हैं ना कि यार ये बच्चा बिल्कुल अपने दादा पे गया है क्योंकि दादाजी बहुत इंटेलिजेंट थे और आज ये उसी की तरह चलता है और उसी की तरह ना जो बातें करता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत तेज है, वंशानुक्रम के लक्षण थे। दादाजी की बात को पॉइंट क्यों करते हैं, क्योंकि वो वंशानुक्रम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद में बात आती है कि अपने विकास को प्रभावित करने वाले चार कारक में एक तो मानसिक हो गया और एक हो गया शारीरिक। कोई बच्चा दिव्यांग हो जाता है जन्म के समय, और कोई बच्चे क्या है कि किसी का क्या नाम से किसी भी प्रकार की जो शारीरिक समस्या आ जाती है वो दिव्यांगता में आ जाती है, तो वो भी वंशानुक्रम का एक कारण हो सकता है। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसके नाना जी के वहां पे एक मतलब नानी में के मतलब हाथ थोड़ा वो टेढ़ा था तो इसके भी टेढ़ा हो गए। कहने का मतलब है जो भी, जो कोई भी लक्षण शारीरिक मानसिक सामाजिक संवेगात्मक आ जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो एक परिभाषा है, नहीं परिभाषा सिद्धांत है, अब सिद्धांतों को पढ़ेंगे, ये समझ में आ गई। तो पहला सिद्धांत है, सिद्धांत, अब सिद्धांत की बात करें तो सिद्धांत में पहला सिद्धांत है बीज मैन, बीज मैन की यहां से लिखता हूं, जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। बीज मैन की जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। दोस्तों ध्यान से सुन लेना, ध्यान से पढ़ लेना, बीज मैन की जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत। ये क्वेश्चन आते हैं, सिद्धांत चल रहे हैं, यहां पे किसी भी प्रकार की कोई मतलब आपको गोच-पोच तरीके से नहीं बताया जाता, सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताया जा रहा है और ये प्रश्न यहां से बनते हैं और वो कैसे बनते हैं वो आपको हम करके बताएंगे। ठीक है, तो जनन द्रव की, ये सिद्धांत का नाम तो ये है, जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत। अब जनन द्रव की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, बीजमैन ने दिया। किसने दिया, बीजमैन ने दिया। अब बीजमैन ने दिया तो बीजमैन ने किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। किस पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया। और इनका क्या मानना था, बीजमैन का मानना था जनन द्रव्य अर्थात जो हमारे जीन्स होते हैं वो क्या होते हैं, कभी नष्ट नहीं होते, कभी नष्ट नहीं होते, ये निरंतर चलते रहते हैं। ये क्या होते हैं, निरंतर चलते रहते हैं, अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, हस्तांतरित होते रहते हैं। क्लियर, परिभाषा समझ में आ गई होगी। बीजमैन की जनन द्रव्य का निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया, बीजमैन ने दिया। अब इन्होंने ये कहा कि जनन द्रव्य अर्थात जीन्स कभी नष्ट नहीं होते, ये निरंतर चलते रहते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई मतलब रुकावट नहीं आती, निरंतर चलता रहता है। अब इसने इसमें क्या कहा, इसमें यह कहा कि चूहे पर प्रयोग किया, चूहे पर प्रयोग किया, तो चूहे पर क्या प्रयोग किया कि चूहे की पूंछ काट दी गई। अब पूंछ काट दी गई और उसके बाद में नर और मादा का क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद में यह जाना कि जो कटी पूंछ के चूहे थे और कटी पूंछ की जो चूहिया थी, नर और मादा थी, उनसे नया जो बच्चा जन्म ले रहा है वो तो बिल्कुल पूरा, जो लंबी जो पूंछ आती है वो नेचुरल जो पूंछ आती है वो ही थी, यानी कि किसी प्रकार का कोई भी उसमें परिवर्तन नहीं मिला। एक व्यक्ति अंधा हो गया, एक्सीडेंट हो गया उसका, वो अंधा हो गया और अंधा होने के बाद में उसने अपने नर व मादा की तरह वही अपना क्रॉस कराया, और क्रॉस कराने के बाद में जो बच्चा जन्म लिया वो बिल्कुल आंखों वाला था, ऐसी नहीं है। तो कहने का मतलब है जनन द्रव्य निरंतर चलता रहता है, इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ता रहता है। ठीक है, ये हो गया।
फिर उसके बाद में दूसरा सिद्धांत है बीजमैन का, दूसरा सिद्धांत बीजमैन का हो गया। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, अब उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत किसने दिया? लैमार्क ने दिया। किसने दिया? लैमार्क ने दिया। अब लैमार्क ने दिया तो क्या इसमें किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर प्रयोग किया। प्रयोग किस पे किया? जिराफ, जिराफ पर भी किया। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत। अब देखो जिराफ, पहले के जो जिराफ थे या पहले जब जिराफ हुआ करते थे उनकी गर्दन क्या थी? छोटी हुआ करती थी। लेकिन ये इसके कुछ हुआ है शायद, नहीं हुआ अभी, हाँ अब हो गया, सही है। उपार्जित गुणों के संचरण का सिद्धांत, यानी कि लैमार्क ने यह सिद्धांत दिया और लैमार्क ने किस पर प्रयोग किया? जिराफ पर प्रयोग किया। तो जिराफ की पहले जो गर्दन हुआ करती थी वो क्या थी? वो छोटी हुआ करती थी। अब छोटी जब हुआ करती थी तो क्या है, जिराफ जब पेड़ पौधों के पत्ते खाते थे तो उनकी क्या हुई? गर्दन में सेफ आने लगा, यानी कि गर्दन लंबी होने लगी। जब नर और मादा के बीच में जब क्रॉस कराया तो अब जो वर्तमान में जो बच्चा जन्म लिया उस वो क्या हुआ कि लंबी गर्दन वाले ही जन्म लिए, यानी कि जिराफ जो गर्दन, जिराफ की जो गर्दन होने लगी वो स्वतः ही लंबी गर्दन वाली होने लगी। अर्थात उपार्जित, यानी कि कह दो अर्जित, उपार्जित को क्या कहते हैं? अर्जित, ठीक है। अर्जित जो गुण था उसका संचरण आगे वाली पीढ़ी में होने लगा, उसका संचरण क्या होने लगा? आगे वाली पीढ़ी में होने लगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी? फिर उसके बाद में आता है बात, स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको जरूरत है तो। तीसरा जो सिद्धांत है गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत, गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत। गाल्टन, सांख्यिकी सिद्धांत, जीव यहां पे सीधा प्रश्न आएगा, जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने दिया। किसने दिया? गाल्टन ने दिया। गाल्टन का जीव सांख्यिकी सिद्धांत क्या कहता है कि बालक के ऊपर, किसके ऊपर? बालक के ऊपर या बालक के अंदर अपने माता पिता से ही नहीं, यानी कि जो क्या हुआ हमने यहाँ पे पढ़ा था ना माता पिता के जो भी लक्षण, तो बालक के अंदर अपने माता पिता के ही लक्षण नहीं, माता पिता बालक के अंदर अपने माता पिता के ही नहीं, मतलब माता पिता के तो होते हैं कि साथ के साथ अपने पूर्वजों का, पूर्वज भैया ध्यान रखना यहां पे अगर कोई हिंदी में मिस्टेक हो जाए उसको ध्यान मत देना, हो जाता है लिखते लिखते लिखने में भी थोड़ी समस्या आ जाती है, हिंदी में थोड़ा सा इधर मात्राओं की गलतियां हो जाती है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनोगे तो वही चीज आपको काम आएगी, ठीक है। तो उस पर ज्यादा कुछ ले, ठीक है। तो जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने दिया। और गाल्टन का जो सिद्धांत कहलाया वो जीव सांख्यिकी सिद्धांत कहलाया। इसके अंदर क्या हुआ कि बालक के अंदर जो अपने माता पिता के लक्षण होते हैं वो ही नहीं,
अपितु अपने पूर्वजों के। अब पूर्वजों में लक्षण किसी के भी हो सकते हैं, अपने माँ वाले माँ है उसके तरफ वाले यानी कि अपने नाना नानी की तरफ भी हो सकते हैं, और अपने पिता की तरफ यानी कि अपने पिता चाचा चाची या दादा की तरफ भी हो सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि बालक के अंदर अपने माता पिता या अपने पूर्वजों के जो कोई भी लक्षण होते हैं, यानी कि ये जो परिभाषा है ना, वैसे की वैसे इसके अंदर आ जाएगी। तो क्योंकि गार्टन ने भी यही माना है कि अपने माता पिता व अपने पूर्वजों के जो कोई भी लक्षण आते हैं वो क्या कहलाते हैं, वंशानुक्रम कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद में बात आती है चौथे सिद्धांत की, मेंडल का सिद्धांत। क्या? मेंडल का सिद्धांत। अब मेंडल के सिद्धांत की अगर बात करें तो मेंडल ने मटर के दानों पर प्रयोग किया था। किस पर प्रयोग किया था दोस्तों? साइंस नहीं पढ़ा रहा है यहाँ पे, ये मैं साइंस नहीं पढ़ा रहा, ये अपने बाल विकास का थोड़ा टॉपिक है इसलिए मैंने इसको लिया। साइंस में नहीं जाना, डीप नहीं जाना, सिर्फ हमें ये जानना है कि हाँ हमारी जो सिद्धांत है उसकी पूर्ति होता है। तो मैं बता रहा था मेंडल का सिद्धांत चौथे नंबर। मेंडल का सिद्धांत, मेंडल का सिद्धांत, तो मेंडल का सिद्धांत जो मेंडल ने दिया है उसमें मटर के दानों पर प्रयोग किया था या मटर की फली पर प्रयोग किया था, समझ लेना। हालांकि देखा जाए ना तो मेंडल ने मटर के पौधों पर प्रयोग किया था, लेकिन हम यहाँ साइंस नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ सिर्फ हमको कुछ चीजें जाननी है जो हमें आ जानी चाहिए, ठीक है। साइंस वाली चीजें अलग होती है, ये चीजें हमें सिर्फ जानने के लिए, क्योंकि वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है बस विकास पे, ये जानने के लिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर मेंडल ने जो सिद्धांत दिया उसमें किस पर प्रयोग किया? मटर के पौधों पर। अगर हम यहाँ पे कहें कि मटर के दानों पर प्रयोग किया और सफेद चूहों पर किया, किस पर किया? सफेद चूहों पर। और जनरली अगर बात आ जाए चूहों पर प्रयोग किए किसने किया, तो किसने, हमने किसको बताया था? बीचमैन वाला, ठीक है। और यहाँ पे सफेद चूहे आ जाए तो हम यहाँ पे मेंडल की बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर प्रयोग कैसे सिद्ध किया? एक मटर की फली होती है, अब एक मटर की फली होती है, इसमें दानों की साइज होती है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा होता है, इधर बड़ा होता है, ये इधर छोटा होता है, इधर छोटा होता है, फिर जैसे जैसे बीच वाली फली बीच में जाता है तो वो मोटा होता जाता है। कहने का मतलब ये है, ये सिद्ध हो गया यहाँ पे कि एक फली में, देखो मैं आपको बता रहा हूँ क्या, कि मटर के दानों पर प्रयोग, लेकिन एक्चुअल में प्रयोग होता मटर के पौधों पर, लेकिन मैं एक फली के माध्यम से आपको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो फली होती है अपने मटर की, उसमें क्या होता है, जो बीज होते हैं वो दो वाले होते हैं, इधर वाले और इधर वाले, जो होते हैं वो थोड़े हल्के होते हैं यानी कि छोटे होते हैं, और ये बीच बीच में जब होते हैं वो थोड़े मोटे हो जाते हैं, साइज बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है मित्रों? क्योंकि यहाँ पर एक ही फली से उत्पन्न बीज, एक ही फली से उत्पन्न बीज में भी क्या पाई गई? भिन्नता। क्या पाई गई? भिन्नता। और यहाँ पे सफेद चूहों पर प्रयोग किया, तो यहाँ पे सफेद और भूरा चूहा, क्या सफेद और भूरा चूहा, यानी कि नर और मादा, यहाँ सफेद ले लो या भूरा, जो अपना नेचुरल होता है, सफेद और भूरा अगर चूहा हुआ दोनों के बीच में क्रॉस कराया, दोनों का उत्पन्न संतान तो क्या हुई? भूरी हुई, और कुछ क्या हुई? सफेद हुई। क्या हुई? और पौधों को, पौधों की बात करें तो मटर के पौधे कुछ बोने पाए गए, कुछ लंबे पाए गए, ये प्रयोग हुआ था। तो हमने यहाँ पे क्या जाना, इसकी एक लाइन आती है, इसमें ये जाना हमने कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानें क्या होती है? भिन्न भिन्न होती है, अलग अलग होती है। उसका नाक नक्शा अलग होता है, क्योंकि बालक के ऊपर क्या होता है, शारीरिक विकास का प्रभाव, शारीरिक का भी तो प्रभाव पड़ता है ना वंशानुक्रम का, तो उसका नाक नक्शा अलग होता है। कोई किसी की बुद्धि क्या होती है, तेज होती है, तो किसी की कम होती है, ठीक है। उसी प्रकार से हम यहाँ सीधी सिंपल चर्चा करें तो मटर के पौधों पर चर्चा करने के बाद में ये निष्कर्ष निकाला कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी भिन्नता पाई जाती है। एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी क्या पाई जाती है? भिन्नता पाई जाती है। आ गई बात समझ में? ये क्लियर हो गई बात? चलो अब बात करते हैं
इसके बाद में नियमों की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नियम। चलो, तो ये जब हमने चार सिद्धांत पढ़े, चार सिद्धांतों के बाद में यहाँ पर तीन नियम निकल के सामने आते हैं। ये जो चार सिद्धांत हमने पढ़े तो यहाँ पे हमने तीन नियम निकल के सामने आते हैं। वो तीन नियम कौन कौन से होते हैं वो हम देख लेते हैं। एक होता है समानता का नियम, एक होता है भिन्नता का नियम, एक होता है प्रत्यागमन का नियम। समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। पहला होता है समानता, समानता नियम। अब ये नियम में अपने आप दिख जाएगा कि हमने ये सिद्धांत क्यों पढ़े और कैसे पढ़े और इसमें क्या निष्कर्ष। समानता का नियम, भिन्नता का नियम, और तीसरा है प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम, समानता का नियम, भिन्नता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। वो हमने सिद्धांत पढ़े थे चार, उन सिद्धांतों में से ये नियम निकल के सामने आते हैं। तो समानता का नियम कहता है कि जैसे माता पिता ठीक वैसी ही संतान, जैसे माता पिता ठीक वैसी ही संतान। यानी कि माता पिता और संतान भी वैसी, क्या कहलाता है? जैसे माता पिता ठीक वैसी ही संतान। क्लियर हो गई बात? भिन्नता का नियम क्या कहता है कि जैसे माता पिता उनसे कुछ भिन्न संतान, कुछ अब कुछ भिन्न संतान कहते ना कि इसका मुंह इसकी माँ पे गया है, या इसकी नाक इसके बुआ पे गई है, या इसका क्या नाम से इसका दिमाग इसके दादा पे गया है। और यहाँ माता पिता से यहाँ पे जो समानता का नियम है ये क्या कह रहा है कि माता पिता ठीक वैसी ही संतान, और वैसी संतान कि देखो इसके पूरे लक्षण है जो अपने माँ पे गए हैं या पिता पे गए हैं, दोनों पे गए हैं। और यहाँ पे कुछ भिन्न अलग अलग, यानी कि माता पिता पूर्वज या फिर नाना नानी या किसी पे होता है। और प्रत्यागमन का नियम अगर बात करें, प्रत्यागमन का अगर नियम की बात करें तो प्रत्यागमन का नियम ऐसे कहता है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतान, विपरीत विपरीत संतान। तभी तो कह देते हैं कि सब गोरे गोरे थे हमारे घर में, तो सब गोरे गोरे थे, ये काड़ा कलूड़ा कहां से पैदा हो गए। यानी कि ठीक विपरीत संतान हो गई है। यानी कि प्रत्यागमन का नियम कहता है कि माता पिता से ठीक विपरीत संतान। क्लियर हो गई बात? इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो वंशानुक्रम आपका क्लियर हो जाता है यहाँ पे। तो वंशानुक्रम की एक बार रिविजन कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा, है ना, ध्यान से देखना। तो वंशानुक्रम की अगर हम बात करें तो वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक है। इसके अंतर्गत अपने माता पिता व पूर्वजों के जो कोई भी विशेषता, जो कोई भी विशेषता जन्म के समय या जन्म पूर्व बच्चे के अंदर आ जाती है वही वंशानुक्रम कहलाता है। और उसके बाद में हमने यहाँ पे सिद्धांत पढ़े बीज में इनकी जनन द्रव्य की निरंतरता का सिद्धांत, अर्थात जीन्स कभी नष्ट नहीं होते हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, है ना। फिर उसी में हमने चूहे पर प्रयोग करा और चूहे पर प्रयोग करा तो यहाँ पे ये पाया कि दोनों कटी पूछ के चूहे और कटी पूछ के चूहे आया, अर्थात नर और मादा का क्रॉस कराया, तो वहां पर वैसा ही लंबी पूछ वाला चूहा या बच्चा या प्राप्त किया। ठीक उसके बाद में प्रांतिक गुणों के संचरण का सिद्धांत, ये किसने दिया? ये लैमार्क ने दिया। अब लैमार्क ने जब दिया तो यहाँ पे पाया, जिराफ पर प्रयोग किया कि पहले के जो जिराफ थे वो उनकी गर्दन छोटी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो पेड़ पौधों की पत्तियों को खाने लगे और अपनी गर्दन को बढ़ाने लगे, और गर्दन जब बढ़ी तो उनके गर्दन में क्या आने लगा? स्पेस आने लगा, यानी कि शेप आने लगा। जब शेप आने लगा तो अब नर मादा का क्रॉस कराया तो फिर उसके बाद में क्या मिला कि अब जो वर्तमान में जो बच्चे हुए तो उनकी गर्दन स्वतः ही लंबी प्राप्त हुई। फिर उसके बाद में आया जीव सांख्यिकी सिद्धांत। जीव सांख्यिकी सिद्धांत किसने दिया? गाल्टन ने। गाल्टन ने क्या कहा कि बालक के अंदर अपने माता पिता के द्वारा ही नहीं अपितु
पूर्वजों के द्वारा भी क्या हो सकते हैं, गुणों के स्थानांतरण हो सकते हैं। पूर्वज नाना नानी उधर से माँ के पक्ष के वाले भी हो सकते हैं और इधर से पिता के पक्ष वाले भी हो सकते हैं। फिर उसके बाद में हमने मेंडल का सिद्धांत पढ़ा, तो मेंडल के सिद्धांत में हमने क्या जाना कि मेंडल के सिद्धांत में जाना मेंडल ने किस पर प्रयोग किया, मटर पर प्रयोग किया, मटर के पौधों पर प्रयोग किया और सफेद चूहे पर प्रयोग किया। और यहाँ पर यह पाया कि एक ही माता पिता से उत्पन्न संतानों में भी क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है। तो उसके बाद वो नियम निकाल के नियम सामने आए, उसमें आया समानता का नियम, जैसे माता पिता ठीक वैसे ही संतान। और फिर उसके बाद में बात आई भिन्नता का नियम, जैसे माता पिता उनसे भिन्न संतान। फिर उसके बाद में बात आई प्रत्यागमन का नियम, जैसे माता पिता ठीक उनसे विपरीत संतान। ये हुआ वंशानुक्रम के लिए। अब बताओ इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होगी शायद। चलो वंशानुक्रम क्लियर हो गया। अब आता है वातावरण। क्या आता है दोस्तों? वातावरण। अब वातावरण की अगर बात करें तो वातावरण में थोड़ा सा हम यहाँ पे वातावरण के बारे में चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद में हम क्लास को क्लोज करेंगे, क्योंकि दोनों टॉपिक साथ में हो जाते हैं तो बढ़िया रहता है। तो विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है वातावरण। क्या है दूसरा प्रमुख कारक? वातावरण। अब वातावरण की अगर बात करें तो वातावरण को हम, इसका पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्यावरण। क्या कहते हैं? पर्यावरण। वातावरण का पर्यायवाची शब्द क्या है? पर्यावरण। ठीक है, यह विकास को प्रभावित करने वाला दूसरा प्रमुख कारक है। और पर्यावरण का मतलब होता है, यानी कि पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परी परी। अरे आसमान की परियों की बात नहीं कर रहा, जमीन की परियों की बात नहीं कर रहा, पर्यावरण का विच्छेद कर रहा हूं, परी प्लस आवरण। ठीक है, परी का मतलब होता है चारों ओर। क्या होता है? परी का मतलब होता है चारों ओर। चारों ओर। और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला, ढकने वाला, या कह दो घेरने वाला। ढकने वाला या घेरने वाला। अब सुनो दोस्तों, बात यहां पे आ जाती है वातावरण। वातावरण का मतलब, वातावरण का पर्यायवाची शब्द है पर्यावरण। ठीक है, और पर्यावरण का मतलब होता है, पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परी प्लस आवरण। और परी का मतलब होता है चारों ओर से, और आवरण का मतलब होता है ढकने वाला, घेरने वाला। अर्थात जो भी हमें चारों ओर से ढके हुए है या घेरे हुए है, वो भी क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अर्थात जो कोई भी हमें चारों ओर से घेरे हुए है, ढके हुए है, वो ही क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें चारों ओर से कौन कौन घेर रखा है, जैसे पत्र पत्रिकाएं होती हैं, समाज होता है, परिवार होता है ना, पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, साधन होते हैं, कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, या फिर अपने खुद निजी, यानी कि जो भी हमें वातावरण में जो भी हमें मिलता है, वो हमें चारों ओर से घेरे हुए रहता है, वो ढके हुए रहता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब वातावरण के अंदर कौन कौन, वातावरण की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से हमारे को चारों ओर से घेरते हैं, कौन कौन से इसमें तत्व आते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है परिवार, परिवार। फिर उसके बाद में आता है समाज। फिर उसके बाद में आता है विद्यालय। विद्यालय। फिर उसके बाद में आता है मनोवैज्ञानिक। फिर उसके बाद में आता है सामाजिक सांस्कृतिक। प्रभावित करने वाले जो कारक है, परिवार है, समाज है, विद्यालय है, मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक वातावरण है, और सामाजिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण। ठीक है, अब परिवार में
बच्चा सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है, और परिवार में भी सबसे पहले किससे सीखता है? माँ से सीखता है। किससे सीखता है? माँ से। अब माँ से अगर सीखता है तो एक फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक आए। कौन से? फ्रोबेल। कौन से मनोवैज्ञानिक आए? फ्रोबेल। फ्रोबेल नामक मनोवैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या कहा कि माताएं क्या बच्चे की माता है, कि माताएं बच्चे की कुशल अध्यापिका होती हैं। फ्रोबेल ने क्या कहा कि माताएं बच्चे की क्या होती है? कुशल अध्यापिका। क्या होती है? इतनी बात समझ में आ गई होगी। आपसे अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से मनोवैज्ञानिक के द्वारा माताएं बच्चे की या माता बच्चे की कुशल अध्यापिका होती है, तो बात आएगी किसकी? माँ की। फ्रोबेल की बात किसकी आएगी? फ्रोबेल की। ठीक है, फ्रोबेल ने परिभाषा दी। एक रॉस नामक मनोवैज्ञानिक आए। कौन से मनोवैज्ञानिक आए? रॉस। अब रॉस ने क्या कहा, इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा यह है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है, वातावरण कोई बाहरी शक्ति है, बाहरी शक्ति, बाहरी शक्ति जो हमें प्रभावित करती है। आपसे सिंपल परिभाषा पूछी गई है भाई, पहले भी पूछी गई है कि वातावरण कोई बाहरी शक्ति है, निम्न में से कथन किसका है? तो रोस का। किसका कथन है? रोस का। वातावरण कोई बाहरी शक्ति है जो हमें क्या करती है? प्रभावित करती है। आगे बात समझ में। उसके बाद में हम चर्चा करें परिवार में, तो सबसे पहली बात आती है परिवार की। अगर हम चर्चा करें तो ये कोई बताएगा आप में से परिवार में कौन सी शिक्षा दी जाती है, औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक या अनौपचारिक? औपचारिक का मतलब क्या होता है और अनौपचारिक का मतलब क्या होता है? तो मित्रों, परिवार में जो शिक्षा दी जाती है अनौपचारिक शिक्षा होती है। कौन सी शिक्षा होती है? अनौपचारिक। अब अनौपचारिक शिक्षा जो परिवार के अंदर दी जाती है, बात आ जाए विद्यालय की, विद्यालय तो ये होती है औपचारिक शिक्षा। इसमें क्या होता है? इसमें एक निश्चित स्थान होता है, निश्चित समय होता है, निश्चित पाठ्यक्रम होता है जो विद्यालय में दिया जाता है, और निश्चित शिक्षण विधियां होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम चर्चा करते हैं पारिवारिक वातावरण की। अब इसकी चर्चा अब हम आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, धन्यवाद।